शिक्षार्थियों नमस्कार। आज के शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। कोर्स कोड 507 के विषय सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा में सुधार कैसे हो, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, सह आचार्य शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से पधारे हैं। आपका मैं इस सत्र में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा यह है कि सामुदायिक भागीदारी का जो मुद्दा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति से या उसके बाद कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 आया, और उसके बाद कई स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे और समितियां गठित हुईं, तो किस प्रकार सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा में सुधार होने की संभावनाएं दिखती हैं, इस पर आप प्रकाश डालिए। पहले तो मैं वागदा चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जिस विषय पे आज मैं बातचीत करने के लिए आया हूं, उस विषय पे अपनी बात शुरू करने के पहले शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई 507 की स्व अधिगम सामग्री के एक केस स्टडी का जिक्र करना चाहता हूं। यह केस स्टडी कर्नाटक राज्य के एक विद्यालय का है। वह विद्यालय कुंडलाहाली एकी कॉलोनी मोलकालामामूर तालुका और जिला चित्रांगदा का है। उस विद्यालय का केस ऐसा है कि वहाँ आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अभाव था, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उस क्षेत्र में जनसंख्या काफ़ी थी, कक्षा कक्ष कम थे, तो कक्षा कक्ष कम होने के कारण विद्यार्थी ठीक ढंग से बैठने के लिए भी जगह मुहैया नहीं हो पाती थी, खेल का भी मैदान नहीं था, और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था उस विद्यालय का। इस विद्यालय को ठीक करने के लिए वहाँ के समुदाय ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया। खासकर विद्यालय समिति के सदस्यों ने लगातार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर यह मांग रखी कि हमारा विद्यालय कई प्रकार की भौतिक सुविधाओं की कमी से गुजर रहा है, और ये आवश्यक सुविधाएं जब तक विद्यालय में मुहैया नहीं कराई जाएंगी तब तक इस विद्यालय के शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता है। तो लगातार दबाव समूह के रूप में विद्यालय समिति के सदस्यों ने कार्य किया, अपनी बात जिला पंचायत में पहुंचाई, क्षेत्र पंचायत में पहुंचाई, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी सहयोग के लिए प्रयास किए। स्थानीय समुदाय से भी उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया ताकि वहाँ सुविधाओं का विकास किया जा सके, और इन सारी जो उनकी कवायद थी, इस कवायद के कारण उस विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाओं का विकास संभव हो पाया। यह केस अपने आप में स्पष्ट करता है कि कैसे समुदाय अपनी भागीदारी देकर एक विद्यालय की शिक्षा को बेहतर बना सकता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा में सुधार कैसे हो, तो ये सुधार के पक्ष कौन कौन से हैं, किन पहलुओं की हम बात करते हैं जिनमें हम सुधार की बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? शिक्षार्थियों, मुख्य रूप से दो पक्ष उभर के आते हैं शिक्षाई परिवेश में या शिक्षाई माहौल में। इसमें से जो पहला महत्वपूर्ण पक्ष है वो है भौतिक व अनुदेशन संबंधी आवश्यक सुविधाओं व संसाधनों का विकास। जब तक किसी विद्यालय के पास भौतिक संसाधन नहीं होंगे, अनुदेशन से संबंधित संसाधन नहीं होंगे, उसके पास भूमि अपनी नहीं है, भवन नहीं हो, बैठने के लिए फर्नीचर ना हो, पुस्तकालय नहीं हो, प्रयोगशाला नहीं हो, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं आज के युग में नहीं हो, तो वो विद्यालय आखिर में क्या करेगा, कैसे वहाँ शिक्षण और अधिगम का काम चलेगा? बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि किसी विद्यालय के भौतिक और अनुदेशन संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाओं का विकास वहाँ किया जाए। और दूसरा इसके लिए पक्ष में रखना चाहूँगा कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है। सब शिक्षा अभियान के माध्यम से भी ये बात कही गई कि एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कक्ष तो हों, एक बरामदा हो, तो जिससे कि एक न्यूनतम स्तर की जो मूलभूत आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की
उसका रहना बहुत ही आवश्यक है। अभी हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और समग्र शिक्षा, बल्कि अभियान शब्द हटा दिया गया, समग्र शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा जी, है। जी। समग्र शिक्षा में अनिवार्य रूप से विद्यालयों में पुस्तकालय हो, इसका जिक्र किया गया है। अब सरकारी प्रयास से भी ये संभव है, लेकिन यदि समुदाय इसमें अपनी भूमिका निभाता है, समुदाय अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करता है कि वो किताबों को गिफ्ट करें या कुछ धन मुहैया कर दे जिससे एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ डेवलप हो सके, तो पढ़ाई का माहौल वहाँ डेवलप होगा। तो ये शिक्षा में सुधार का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है अकादमिक वातावरण का विकास। विद्यालय में आने वाले लोग, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या प्रधानाचार्य हो या अन्य लोग हों, वो समयबद्धता को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो समय से पहुंच रहे हैं या नहीं, और वास्तविक परिस्थिति के अनुभव के लिए समुदाय के साथ लगातार विद्यालय का संवाद हो रहा है या नहीं, परिचर्चा के कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं, और व्यक्तित्व के सर्वांगीण पक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय का काम सिर्फ कुछ विषयों को से संबंधित तथ्यों को सिखाना नहीं है, बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो जब हम व्यक्तित्व के सर्वांगीण पक्षों के विकास की बात करते हैं, तो उससे जुड़ी योजनाएं विद्यालय में अनिवार्य रूप से हों, और तब जाकर एक विद्यालय में अकादमिक वातावरण का विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार भौतिक अनुदेशन संबंधी आवश्यक सुविधाएं और अकादमिक वातावरण से संबंधी जो माहौल है, वो दोनों एक विद्यालय के शिक्षा के माहौल को बदल सकते हैं और एक बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें समुदाय की निरंतर भागीदारी से ही संभव है। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, इसके लिए जो एकेडमिक सपोर्ट की आपने बात की है, हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी टीचर्स को एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और इसमें भी समुदाय की जो भागीदारी है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और एकेडमिक सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं जो जिनके अंदर कौशल या कोई ज्ञानवान व्यक्ति होना ये आसान बात है। तो ये अगर समिति चाहेगी, ग्राम शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंध समिति, और किसी विद्यालय में हो सकता है कि शिक्षकों की संख्या कम हो, तो अपने गांव के ही जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको बुलाकर बच्चों से अंतःक्रिया का अवसर प्रदान कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ें ही विद्यालय में एक वातावरण निर्मित कर सकती हैं, जो कि उन्हीं के बच्चे उसमें अध्ययनरत हैं, और उनको लगेगा कि हम अपने बच्चों को ये कौशल, ये हुनर भी सिखाएं। तो समुदाय कई तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए उन तरीकों का जिक्र करना चाहूँगा जिसके माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को हम बढ़ा सकें और शिक्षाई माहौल को बेहतर कर सकें। विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए समुदाय के सदस्य स्थानीय, क्षेत्रीय व जिला स्तर के अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर एक अभियान का रूप दे सकते हैं इसे, कि एक मूवमेंट खड़ा करें, स्थानीय 150 लोग जाएं विभिन्न स्थानों पर और अपने विद्यालय की, अपने क्षेत्र के विद्यालय की समस्या को रखें। तो अभियान का रूप दिए जाने से बदलाव अवश्य होगा। कई स्थानों पर समुदाय के सदस्य विद्यालयों के लिए भूमि का भी दान करते हैं। आज भारत के स्कूलों को उठाकर देखें तो अधिकांश स्कूल समुदाय की द्वारा दान में प्राप्त जमीन पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल। तो एक समुदाय के साथ जो जुड़ाव है इससे बढ़ता है, समुदाय को ये महसूस होता है कि ये हमारी भूमि पर बना हुआ है, इसलिए हमारा विद्यालय है, हमें इसकी और ये विद्यालय की देख रेख, इसकी व्यवस्था हमें देखनी। ऐसे कई उदाहरण हैं कि समुदाय के लोग भवन, फर्नीचर, आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। शिक्षार्थियों, श्रमदान के माध्यम से भी समुदाय विद्यालय भवन के टूट फूट की मरम्मत कर सकता है, वहाँ साफ सफाई का कार्य कर सकता है, सौंदर्यीकरण का कार्य कर सकता है। मुझे याद है, मैं जिस विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ गांव के लोग
जाके वहाँ फूल की क्यारियाँ बनाते थे, वहाँ साफ़ सफाई करते थे। तो ये काम समुदाय अपने समीप के विद्यालय के साथ कर सकता है, तो एक जुड़ाव की भावना, एक लगाव की भावना डेवलप होगी और एक बेहतर शिक्षा का माहौल वहाँ आएगा। समुदाय के प्रयास से विद्यालय में खेल के मैदान व खेल के लिए आवश्यक साधनों की भी व्यवस्था की जा सकती है। वैसे सदस्य जो खेल में रुचि व अनुभव रखते हैं, उन्हें उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप आएं और विद्यार्थियों को इसका बेहतर प्रशिक्षण दें। ये सारे प्रयास समुदाय कर सकता है। समुदाय के प्रयास से विद्यालय में एक बेहतर पुस्तकालय का विकास हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत की। स्थानीय प्रयास से विद्यालय के पुस्तकालय को अधिक से अधिक पुस्तकें भेंट किए जाने को एक अभियान का रूप दिया जा सकता है। एक कलेक्शन प्रोग्राम चले, 15-20 लोग समुदाय से निकलें और घर घर जाएं कि आप इस विद्यालय के पुस्तकालय के लिए कुछ पुस्तक दान कीजिए। तो ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं। देश में कई जगहों पर ये प्रयास चल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थानीय प्रयासों से विद्यालयों में पुस्तकालयों का विकास किया गया। बिल्कुल, मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं अपने शिक्षार्थियों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिला मिर्ज़ापुर में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय धनावल है, वहाँ मैं जब पहली बार देख गया तो मैंने देखा इतनी सुंदर वहाँ हरियाली विकसित की है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, क्यारियाँ बनी हुई हैं और उनके यहाँ विज्ञान लैब है। उसके साथ साथ कम से कम 50 कुर्सियाँ उनके यहाँ फाइबर की हैं जो उन्होंने इसी तरह उस विद्यालय की समिति ने विभिन्न लोगों को बुला करके, विभिन्न लोगों को अप्रोच करके, विभिन्न एनजीओ को और जो उस जिले के उद्योग व्यवसायी लोग हैं उनसे मिल करके मदद मांगी, तो लोगों ने हाथ बढ़ाकर मदद की भी है। और वह विद्यालय आज मैं देखता हूँ कि कई तरह के संसाधनों से संपन्न है और वहाँ एक अकादमिक वातावरण दिखता है कि वहाँ कोई ना कोई आ रहा है देखने के, हाँ बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ये सरकारें विद्यालयों को तो संचालित कर ही रही हैं, सरकारों ने गोद एक तरह से लिया ही हुआ है विद्यालयों को, लेकिन बदलाव तब ज़्यादा होगा जब समुदाय विद्यालय को गोद लेगा। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ समुदाय ने इस तरह के प्रयास किए हैं उस विद्यालयों की दशा बिल्कुल अलग है, वो किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल से टक्कर देने की स्थिति में वो विद्यालय है। आइए और कुछ तरीकों पे हम लोग बातचीत करें कि ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समिति, विलेज एजुकेशन कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय विकास एवं निगरानी समिति आदि के माध्यम से समुदाय के सदस्य विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी भी कर सकते हैं और आवश्यक सुधार की सलाह भी दे सकते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के एक ग्राम पंचायत का उदाहरण आपके बीच रखना चाहूँगा। वहाँ ग्राम पंचायत ने कुछ वृद्ध महिलाओं को नियुक्त किया कि जो बच्चियाँ विद्यालय जाती हैं उनको ले जाने और ले आने का काम वो करें, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन, पहाड़ी रास्ते कठिन होते थे और छोटी बच्चियां या बच्चे कहीं किसी जानवर के का भोजन बन सकते थे। तो ये कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा व्यक्ति यदि साथ जाता तो ठीक होता। तो ये इस प्रयास से हिमाचल के उस ग्राम पंचायत ने ये कार्य शुरू किया। हुआ क्या कि महिलाएँ जब जाती थी विद्यालय तो सिर्फ बच्चे को पहुंचाती ही नहीं थी, वहाँ बैठी रहती थी, ऑब्जर्व करती थी कि शिक्षक समय से आ रहा है या नहीं, कौन सा विद्यार्थी स्कूल पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाई चल रही है, बच्चों के विकास के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो महिलाएँ ग्राम पंचायत में जाके खबर भी पहुंचाती थी कि इस विद्यालय में ये स्थिति है, इस विद्यालय में ये कमी है, यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, तो यहाँ ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ शिक्षक सही समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसका एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, उस ग्राम पंचायत ने इनिशिएटिव लेकर उन सारी दिक्कतों को दूर करने का काम किया। तो देखिए, एक छोटा सा प्रयास
निगरानी का बहुत बड़ा बदलाव लाए। बिल्कुल बिल्कुल, हर गांव में, मेरा तो ये मानना है कि हर गांव में ऐसे लोग हैं जो चिंतित रहते हैं, बस वो एकजुट होकर के बस सोचना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, और विद्यालय की गतिविधियों से जुड़ें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ग्राम शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय विकास और निगरानी समिति कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं विद्यालय में। इनके माध्यम से उन बच्चों की पहचान की जा सकती है जिनका विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है, और उनको फिर से विद्यालय लाने के प्रयास किए जा सकते हैं, यानी नामांकन बढ़ाने का काम किया जा सकता है। बच्चियों के नामांकन हेतु विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। बच्चियों का नामांकन बहुत ही बड़ा मसला है। देश के कई क्षेत्रों में अभिभावकों के मन में यह है कि नहीं, बच्चियों को विद्यालय हम नहीं भेजेंगे। उस स्थिति में यदि शिक्षक सिर्फ अकेला प्रयास करे कि नहीं हम जाके अभिभावक से बात करेंगे, तो उतना काफ़ी नहीं होता है। जब पूरे समुदाय के लोग, वहाँ रहने वाले लोग दबाव डालेंगे उस अभिभावक पे कि नहीं आपको बच्चियों को भेजना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़्यादा अधिक बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। और हमारे शिक्षार्थी भी अपने विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को या ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अन्य ग्रामीणों से, अन्य अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बिल्कुल बिल्कुल ये प्रेरित करें कि अपनी बच्चियों को भेजें। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रयास जारी रहे कि हर लड़की जो है गांव की विद्यालय तक अवश्य पहुंचे। शिक्षा के महत्व और लाभ के संदर्भ में भी इन सारी समितियों द्वारा जन जागरूकता के अभियान चलाए जा सकते हैं। वो जाके प्रचार करें कि नहीं, आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, विद्यालय भेजने से ये लाभ होंगे। जब समुदाय के लोग इस अभियान में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। विद्यार्थी समय से विद्यालय आ रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कर सकते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति व उनके प्रदर्शन के संबंध में निगरानी की जा सकती है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश की उस घटना परिस्थिति के माध्यम से अभी चर्चा हुई। विद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर बनाया जा सकता है। विद्यालय के बजट की व्यवस्था और उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, ये प्रयास किए जा सकते हैं। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर प्रशासन के साथ विद्यालय से जुड़ी समस्याओं पर परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है और उसके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये जो विद्यालय शिक्षा समिति है या ग्राम शिक्षा समिति है, ये कई प्रयास अपने माध्यम से कर सकती है, जिससे शिक्षा का माहौल बेहतर हो, आवश्यक सुविधाएं विद्यालय में डेवलप हो। एक और जो संघ विद्यालयों में होता है, अभिभावक शिक्षक संघ, इसका भी सहयोग लिया जाना चाहिए और इसमें परिचर्चा करनी चाहिए कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति कैसे हुई, उनका कक्षागत व्यवहार सुधरा या नहीं, उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का विकास हो रहा है या नहीं। इस पे जब अभिभावकों के साथ शिक्षक परिचर्चा करते हैं और उनके साथ मिलकर योजना बनाते हैं, तो बदलाव आते हैं। अभिभावक किस प्रकार घर पर बच्चों को सहयोग प्रदान करें, इस संदर्भ में भी इस संघ में परिचर्चा हो सकती है और आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, इस संदर्भ में अभिभावक सबसे सटीक जानकारी दे सकते हैं और ये जानकारी शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और शिक्षक उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और अध्यापन और सीखने के जो प्रयास हैं उसको और बेहतर बनाएंगे। स्थानीय समुदाय के वे सदस्य जो अनुभवी हैं और विषय के ज्ञाता हैं, उनसे निवेदन विद्यालय कर सकता है कि आप हमारे विद्यालय में आइए, अतिरिक्त कक्षाएं लीजिए। कम से कम जब कोई शिक्षक अवकाश पर हो, तब तो यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा सकती है। विद्यालय शिक्षा समिति या ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से निवेदन किया जा सकता है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें और विद्यालय तक लाएं। विद्यार्थियों को विभिन्न कलाओं, संगीत, नृत्य, नाटक, खेल व लोक परंपराओं आदि का ज्ञान देने के लिए भी समुदाय के अनुभवी लोगों को विद्यालय बुलाया जा सकता है। तो इस समुदाय के बहुत सारे लोगों के पास कोई ना कोई कला, कोई ना कोई जानकारी अवश्य होती है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय के लोग, इस तरह के अनुभवी लोग विद्यालय आएंगे, तो
विद्यार्थियों का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास होगा। वो सिर्फ विषयों को नहीं सीखेंगे, उससे आगे बढ़कर काम करेंगे। अपने शिक्षार्थियों के माध्यम से मैं इस एक एक पक्ष पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो शैक्षिक कैलेंडर है हमारे विद्यालय का, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमारे शिक्षार्थियों को, और जैसे उसमें हमारी विषय से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं और उसके साथ साथ जो पाठ सहगामी क्रियाएँ हैं, उस पर थोड़ा सा आप हमारे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आमतौर पर विद्यालयों में बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं एक बच्चे के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए शिक्षकों को यह प्रयास करना चाहिए या विद्यालय को यह प्रयास करना चाहिए कि जो शैक्षिक कैलेंडर बने उसमें इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, समुदाय के साथ वार्ता को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, भ्रमण को भी अधिक से अधिक स्थान दिया जाए। जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के दौर में 5 दिन 10 दिन का कोई कार्यक्रम बनाया जा सकता है कि विद्यार्थियों को बाहर हम ले जाएं और उन्हें खेती कैसे होती है ये सिखाएं, पशुपालन कैसे होता है ये सिखाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमें शैक्षिक कैलेंडर में इसके लिए जगह देनी होगी, इसका जिक्र करना होगा जी। स्थानीय समुदाय की सहायता से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के कार्यक्रम भी संचालित किए जा सकते हैं। जैसे कोई दर्जी यदि उस ग्रामीण क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि एक दिन आप आएँ और विद्यार्थियों को कैसे कपड़ा सिलते हैं वो बताएं, या किसी बुनकर के यहाँ हम ले जाएँ और विद्यार्थियों को सिखाएँ कि कपड़े की बुनाई कैसे होती है, आप देखें ऑब्जर्व करें। तो जो कई प्रकार के कौशल हमारे समुदाय में हैं, उन कौशलों से परिचय का कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं समुदाय के सहयोग से। समुदाय के अनुभवी सदस्यों में से कुछ सदस्यों को विद्यार्थियों के लिए परामर्शदाता या मेंटोर के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। इससे समुदाय और विद्यालय के मध्य एक प्रगाढ़ संबंध विकसित होगा। जैसे 2-3 विद्यार्थियों या 4-5 विद्यार्थियों पर एक मेंटोर हमने नियुक्त कर दिया और ये मेंटोर हम विद्यालय शिक्षा समिति या ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से नियुक्त कर रहे हैं, तो वो समुदाय का सदस्य विद्यालय की गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ गया, वो विद्यालय को अपना मानना शुरू करेगा और उस विद्यार्थी को जो उसका उसके साथ अटैच्ड है उसका कैसे बेहतर विकास हो ये उसकी जरूर चिंता रहेगी। ये प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास होंगे। स्थानीय समुदाय की सहायता से भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को खेती, पशुपालन, विभिन्न रोजगार, बैंक, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर, पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, न्यायालय व अन्य कार्यालयों का वास्तविक अनुभव दिया जा सकता है। ये सभी अनुभव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भी एक बच्चे को ये मालूम नहीं है कि बैंक से कैसे पैसा निकालते हैं, कैसे पैसा जमा करते हैं, पुलिस स्टेशन में कैसे कंप्लेन करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके कैसे हम टिकट लेते हैं, या डाकघर में किस किस प्रकार से हम कार्य करते हैं, पंचायत कार्यालय में कैसे कार्य होता है, क्षेत्र पंचायत कार्यालय में कैसे कार्य होता है, न्यायालय में कैसे सुनवाई होती है, ये सारी चीजों का जब वो लाइव एक्सपीरियंस लेगा समुदाय के सदस्यों के माध्यम से तो उसका उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। समुदाय के सदस्यों के साथ विद्यार्थियों का निरंतर संवाद व परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। विभिन्न विषयों पर आयोजित इस सामूहिक परिचर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन का भी विकास होता है, वो क्रिटिकल हो पाते हैं क्योंकि उन्हें कई स्रोतों से इन्फॉर्मेशन मिलता है। जब परिचर्चा कार्यक्रम होता है तो विविध प्रकार के पक्ष, एक ही विषय से संबंधित विविध प्रकार के पक्ष सामने आते हैं, वो एकांगी होकर नहीं सोचता है। तो जब कई पक्ष एक विषय से संबंधित विद्यार्थी सुनता है तो उसके अंदर आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होती है। ये सारे प्रयास विद्यालय कर सकता है। इस संबंध में आपका ध्यान मैं चाहता हूं कि सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा में सुधार के कुछ चर्चित प्रयास हैं, उन पर भी जरा प्रकाश डालिए। शिक्षार्थियों, कई प्रयास इस देश में किए गए जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हुए और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया।
इसी में एक बहुत ही चर्चित प्रयास है लोक जुम्बिश, आपने सुना होगा राजस्थान में प्रयास हुआ और ये शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए प्रारंभ किया गया था। लोक जुम्बिश शब्द का ही अर्थ है कि शिक्षा को लोगों का आंदोलन बनाना, ये आंदोलन के रूप में लोक जुम्बिश शुरू हुआ। और वास्तव में इस परियोजना ने राजस्थान के क्षेत्रों में शिक्षा के लोक व्यापीकरण को लोगों का आंदोलन बना दिया। लोक जुम्बिश परियोजना राजस्थान में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य सबको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना था। अनिल बोर्डिया जी ने 1992 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और 1999 तक इसके वो प्रमुख बने रहे। लोक जुम्बिश योजना इतनी सफल रही और एक नवाचारी प्रोजेक्ट के रूप में पूरे देश में जानी गई कि बोर्डिया जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान देने के लिए 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पूरे विश्व में जितने प्रयास हुए उसमें चर्चा के विषय के रूप में लोक जुम्बिश कार्यक्रम बहुत ही प्रमुखता से उसका नाम लिया जाता रहा। आंध्र प्रदेश में भी एक प्रयोग हुआ। आंध्र प्रदेश में एक सामुदायिक प्रयास से विद्यालय चलता है ऋषि वैली, और ऋषि वैली बिल्कुल अनूठे प्रयोग करके अपने विद्यालय का संचालन करते हैं। वहाँ जो टाइप्ड एजुकेशन है जो आम विद्यालयों में चलता है उस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बहुत स्वतंत्रता है ऋषि वैली में। तो ऋषि वैली ने एक प्रयोग किया कि विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों व समुदाय के अन्य लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम ऋषि वैली में लाया गया और विद्यार्थियों के साथ स्थानीय समुदाय के लोग समूह अधिगम कार्यक्रम में जुड़े। जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया गया विद्यार्थियों के समूह को कि आपको इस टॉपिक पे जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, अपनी समझ विकसित करनी है, और उस विद्यार्थी समूह को समुदाय के एक आध लोगों को मेंटरिंग करने के लिए उनके साथ लगा दिया गया। तो ये इतना सफल प्रयोग हुआ कि समुदाय ने इंटरेस्ट लिया, समुदाय के लोगों ने उन बच्चों के विकास में इंटरेस्ट लिया। ऐसा ही एक प्रयोग नागालैंड में हुआ। नागालैंड में शिक्षा विभाग ने 90 विद्यालयों के संचालन का कार्य सामुदायिक स्वामित्व के सिद्धांत पर किया। समुदाय को जिम्मेदारी दी कि इस विद्यालय के संपूर्ण संचालन का कार्य आपको करना है और काफी सफल प्रयोग नागालैंड में रहा। बिहार में यूनिसेफ के सहयोग से 1990 में एक प्रयोग किया गया। बिहार के वैसे जिलों पर यह कार्य था जहां जनजातीय समूह अधिकता में रहते हैं और वहां यह प्रयास हुआ कि जो विद्यालय तक पहुँच नहीं पाए वैसे बच्चों को किसी तरह से विद्यालय तक पहुँचाना है, उनका नामांकन कराना है। यह अत्यंत ही सफल कार्यक्रम था। हरियाणा में 2007 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ, शिक्षा अधिकार यात्रा अभियान। तो NSCDOR एक संगठन है, सामुदायिक भागीदारी का संगठन है, और राज्य सरकार ने मिलकर इस प्रयास को शुरू किया और ये इतना सफल कार्यक्रम रहा कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी अभियान ने शिक्षा के क्षेत्र में इसे सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी। UNO के 63वें बैठक में इस कार्यक्रम का जिक्र हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास इस देश में लोगों ने किए हैं, समुदाय के लोगों ने किए हैं और शिक्षा के की दशा को सुधारा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समुदाय की भागीदारी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि विद्यालय और समुदाय परस्पर निकट आएं और संवाद व सहयोग के माध्यम से शिक्षा की दशा और दिशा को बदलें। शिक्षार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार किसी नए विषय के साथ पुनः मैं आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।